हेलो हमारा आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें वी स्टडीड अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और अब हम पढ़ने वाले हैं कि डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है आप जानते हैं कि दिस इज़ ए डी एन डीएनए सबसे पहले मैसेंजर आर एन की करता है और मैसेंजर आर फिर पॉलीपिप्टाइड की चेन बनाता है यही पॉलीपिप्टाइड की चेन आपके प्रोटीन की सिंथेसिस करती है इट फॉर्म्स अ प्रोटीन एंड देन प्रोटीन डज ऑल द वर्क इन योर बॉडी नाउ हमारे सारे शरीर में ऑल द डी एन एज सेम ऑल ऑफ आर सेल्स हैव द सेम डी एन ए तो हमारी आंखों के सेल्स एच सील क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं हमारे पेट के सेल्स uh, टीयर क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं या सलाइवरी अमाइलेज क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं या ग्रोथ हार्मोन क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं देर इज़ अ रीज़न फॉर दैट जब आप किसी कमरे में जाते हैं और बहुत सारे स्विचेस होते हैं तो आप सिर्फ वही बल्ब का स्विच ऑन करते हैं जिस जो बल्ब आप चाहते हैं कि स्विच ऑन हो जाए बाकी बल्ब्स को आप स्विच ऑफ़ रखते हैं तो आपके पास चॉइस होती है किस बल्ब को स्विच ऑन करना है और किस बल्ब को स्विच ऑफ़ करना है उसी तरह से डीएनए मॉलिक्यूल में भी स्विचेस होते हैं जो ऑन और ऑफ़ किए जाते हैं कुछ प्रोटीन्स की मदद से जिनको हम रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहते हैं वी कॉल देम रेगुलेटरी प्रोटीन्स तो ये प्रोटीन्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा जीन अपना प्रोटीन बनाएगा किस सेल के अंदर और एक्सप्रेस करेगा जैसे हमारे आँखों के सेल्स टीयर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन एच सी प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि उसका जीन स्विच्ड ऑफ है तो दैट इज़ कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अगर हम आगे बढ़ें तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैक ऑफ सो वट इज़ लैक ऑफ लैक operon इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन the dna this is दिस इज़ as the prokaryotic द regulation जीन रेगुलेशन हम थोड़ा सा यू जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे और थोड़ा प्रोकेरिटिक जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे प्रोकेरियोटिक का मतलब है बैक्टीरिया के अंदर जीन्स किस तरह से स्विच ऑन और स्विच ऑफ होते हैं दिस लैक ऑपेरॉन सिस्टम वॉज डिसकवर्ड बाय फ्रांसवास जैकब एंड जैक मोनाड तो जेकब एंड मोनाड सिस्टम भी हम इसे कहते हैं सो लैक ऑपेरॉन इज़ बेसिकली इट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम इसका मतलब हुआ कि ये रेगुलेशन जो है स्विचिंग ऑन ऑफ़ द जीन और स्विचिंग ऑफ ऑफ द जीन दिस विल हैपन इन द इन द ट्रांसक्रिप्शनल फेज ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक दिया जाएगा दिस इज़ कॉल अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम प्रोकेरियोस में और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं लैक ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन अरेबिनोज ऑपेरॉन हिस्टिडिन ओपेरन और वेलिन ओपेर देयर नेम्स आर बेस्ड ऑन वो किस सबस्ट्रेट पे काम करते हैं किस केमिकल पे रिएक्ट करते हैं उस बेसिस पे इनका नाम रखा गया है तो अगर हम ऑपेरॉन को डिस्कस करें ओपेरन का मतलब है इट इज़ अ जीन पॉलिसट्रॉनिक जीन दैट इज कंट्रोल्ड बाई अ प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन तो हम डिस्कस कर चुके हैं तो जीन एक ऐसा जीन होता है विच कैन प्रोड्यूस मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड ये देखिए एक पॉलीपेप्टाइड दो पॉलीपेप्टाइड एंड तीन पॉलीपेप्टाइड तो एक ही जीन जब तीन दो से ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर सके या पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस कर सके उसे हम हॉलीसेस्ट्रॉनिक कहते हैं ये सिर्फ प्रोकेरियाटिक में ही होते हैं तो पॉलीसेस्ट्रॉनिक जीन दैट इज़ कंट्रोल बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटर जीन प्रमोटर जीन भी हम डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे आर एन ए पॉलीमरेज अटैच होता है और रेगुलेटर जीन किसी भी आ, जीन को रेगुलेट करने में मदद करता है स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने में मदद करता है तो लैक ऑपेरॉन का नाम लैक इसलिए पड़ा है क्योंकि ये लैक्टोज पे वर्क करता है आप जानते हैं कि लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर तो अगर अगर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है तो लैक्टोज की प्रेजेंस में बैक्टीरिया लैक ऑपेरॉन सिस्टम स्विच ऑन होगा अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है देन दिस इज द प्रेफर्ड फूड सोर्स तो बैक्टीरिया ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा बट अगर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है तो लैक्टोज पे फंक्शन किया जा सकता है सो ऑपेरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एन नेगेटिव रेगुलेशन यू विल टॉक अबाउट इट इन अ मोमेंट इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो अपनी ही प्रोडक्शन को स्टॉप करता है द प्रोडक्ट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो अपनी ही प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन और इसमें जो रेगुलेटरी जीन है दैट विल स्विच ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑपरेटिंग सिस्टम को स्विच ऑफ कर देता है देफो इट इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव रेगुलेशन इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए इंड्यूसिबल सिस्टम क्योंकि इसे स्विच ऑन करने के लिए हमें एक इंड्यूसर की जरूरत पड़ती है इंड्यूसर कैन बी एनी केमिकल इस कंडीशन में एलो लैक्टोज इज अ केमिकल दैट विल स्विच इट ऑन जो जीन को स्विच ऑन कर देगा तो अगर हम हल्का सा देखें लैक ऑपेरॉन को तो हम सबसे पहले इसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए अ ऑपेरॉन तो आप ये देख सकते हैं दिस आई जीन इज़ कॉल्ड द इनहिबिटर जीन ये इसके बाद जो पी जीन है दिस इज कॉल्ड द प्रमोटर जीन यहाँ पर ओ जीन है ऑपरेटर जीन और इन तीन जीन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन सो इनहिबिटर जीन का काम है एक रिप्रेसर प्रोटीन या इनहिबिटर प्रोड्यूस करना दिस इनहिबिटर गोज़ एंड अटैचेज इट सेल्फ टू द ऑपरेटर जब ऑपरेटर ब्लॉक हो जाता है विद हेल्प ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन तो आर एन ए पॉलीमरेज में जो आर एन ए पॉलीमरेज इन्जाइम विच इज प्रजेंट इन द प्रमोटर सीक्वेंस यहाँ प्रमोटर सीक्वेंस में जो प्रेजेंट है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा इसका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा सो द जीन विल बी स्विचड ऑफ दिस इज कॉल्ड अ स्विचड ऑफ कंडीशन तो आप देख सकते हैं ये रेगुलेटरी प्रोटीन है रिप्रेसर इसकी प्रेजेंस में द जीन हैज बीन स्विचड ऑफ देर इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव Regulation. अगर हमारी बॉडी में इंड्यूसर प्रेजेंट हो डेट मीन एलो लैक्टोज प्रेजेंट हो यानी इन्वायरमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट है और बैक्टीरिया ने लैक्टोज को एब्जॉर्ब कर लिया है तो ये लैक्टोज इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ कंबाइन करके फॉर्म करेगा रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स एंड दिसर uh, विल बी ब्लॉक ब्लॉक हो जाएगा जब यह रिप्रेसर ब्लॉक हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर द ऑपरेटर जीनस

इसमें जो हम पार्ट्स हैं हमारे एक है हमारा इनिबिटरी जीन जिसको हम रेगुलेटरी जीन कहते हैं ये इनिबिटर या रिप्रेसर प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है दूसरा है हमारा प्रमोटर जीन जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है ताकि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो सके तीसरा हमारा ऑपरेटर जीन जो ऑपरॉन ऑपरेटिंग सिस्टम को स्विच ऑन या ऑफ कर देता है डिपेंडिंग ऑन कि उसके ऊपर रिप्रेसर प्रोटीन अटैच्ड है कि नहीं अटैच्ड है स्ट्रक्चुरल जीन विल कोड फॉर ए पोलिपेप्टाइड हमारे पास तीन स्ट्रक्चुरल जीन है जेड जीन जो इन्जाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस करता है ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये जो इन्जाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज दिस विल ब्रेक लैक्टोज इंटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज उसके बाद हमारा नेक्स्ट जीन है वाई वाई विल प्रोड्यूस द इन्जाइम पर्मिएज ये परमिज बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को पर्मिएबल बनाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टोज सेल के अंदर एंटर कर सके राइट ए जीन कोर्स एनजाइन कॉल ट्रांस एसीटाइलिज जो लैक्टोज को एलो लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है एंड लैक्टोज एक्ट एज एन इंड्यूसर सो रिप्रेसर प्रोटीन इज प्रोड्यूस बाय द इनहिबिटरी और द रेगुलेटरी जीन ये ऑपरेटर जीन को ज्वाइन करके उसे ब्लॉक कर देता है ताकि आर एन ए पॉलीमेरेज ट्रांसक्रिप्शन ना कर पाए इंड्यूसर हमारा लैक्टोज है आप यहाँ देख सकते हैं एलो लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन के साथ कंबाइन करके रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बनाता है तो आपका रिप्रेसर ब्लॉक हो जाता है ऑपरेटर जीन आपका ओपन होगा ट्रांसक्रिप्शन कर देगा तो दीज आर दार्ट ऑफ लैक ऑपरॉन तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो अप्रेटी गुड डायग्राम ये देखिए देर आर टू पार्ट दिस इज जीन स्विचड ऑफ फर्स्ट कंडीशन आप देख सकते हैं इस कंडीशन में आपका इनिबेटरी जीन या रेगुलेटरी जीन ने आर एन ए प्रोड्यूस किया जिसनेसिव प्रोटीन प्रोड्यूस किया पॉलीमरेज ब्लॉक हो गया आगे मूव नहीं कर पा रहा है दिस इज स्विच्ड ऑफ कंडीशन नाउ इन द सेकेंड कंडीशन द रिप्रेसिव जीन रेगुलेटरी जीन इज प्रोड्यूसिंग द आर एन एट इज प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन लेकिन हमारे पास इंड्यूसर है एलोलैक्टोज ये दोनों कंबाइन करके बनाते हैं रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स और रिप्रेसर का शेप देख सकते हैं कि चेंज हो गया है तो ये आपके ऑपरेटर के साथ कंबाइन नहीं करेगा आपका आर एन पॉलीमरेज आगे मूव करेगा इट विल ट्रांस इट विल डू ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए की ट्रांसलेशन से तीन तरह के प्रोटीन्स बन जाएंगे सो दिस इज हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। अगर हम इसके बारे बात बात करें तो हम इसे नेगेटिव रेगुलेशन इसीलिए कहते हैं वी कॉल इट ए नेगेटिव रेगुलेशन क्योंकि uh, अगर आपके पास इफ़ यू हैव अ रिप्रेसिव प्रोटीन कैन सी इफ़ हैव रिप्रेसिव प्रोटीन तो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है अगर आप रिप्रेसिव प्रोटीन को हटा देते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन स्विच ऑन हो जाती है तो किसी रेगुलेटरी प्रोटीन के वजह से जब ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाए उसे हम नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं राइट right? तो हमने फंक्शनिंग डिस्कस कर लिया है हाउ लैक ऑपरॉन फंक्शंस यू कैरिया जीन रेगुलेशन जो है वो या तो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करेगा यानी मैसेंजर आर एन ए बनने ही नहीं देगा या प्रोसेसिंग को स्टॉप कर देगा स्प्लाइसिंग नहीं होने देगा या मैसेंजर आर एन ए को न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलने देगा या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस नहीं होने देगा दिस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछिएगा थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे